हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पार्ले बिस्किट की बर्फ़ी। ये बिस्किट की बर्फ़ी बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। ये बर्फ़ी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से घर पर आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 पैकेट पार्ले बिस्किट। ये हमारे बड़े वाले पैकेट हैं, छोटी पैकेट से ये 4 पैकेट के बराबर हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पैन, जिसमें 100 ग्राम घी ऐड करके गर्म कर ली हूँ। अब मैं इसमें एक एक बिस्किट करके ऐड करूँगी और बिस्किट को थोड़ा डार्क फ्राई कर लूँगी। आप बिस्किट को स्लो फ्राई कर सकते हैं। मैं डार्क फ्राई इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बर्फ़ी का कलर थोड़ा डार्क चाहिए। फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। मैं इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करूँगी, नहीं तो ये जल जाएंगे। बिस्किट फ्राई करते टाइम मुलायम हो जाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बाहर निकालते हैं ठंडे होने के बाद, वापस से ये कड़े हो जाते हैं। बिस्किट को मैं दोनों तरफ से डार्क फ्राई कर ली हूँ। अब मैं सभी बिस्किट को एक एक करके निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। बिस्किट हमारे सभी बैच फ्राई हो चुके हैं, मैं अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बिस्किट पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, वापस से ये कड़े भी हो गए हैं। अब मैं इन्हें 2-3 टुकड़ों में तोड़ लूँगी। आप बिस्किट को फ्राई करना ना पसंद करें तो आप बिस्किट को पहले मिक्सी में पीस लीजिएगा और बिस्किट के चूरों को घी में भून लीजिएगा। अब मैं ठंडे किए हुए बिस्किट को मिक्सी में ऐड करूँगी और मैं मिक्सी को 3 से 4 बार रोटेट करते हुए घुमा लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पीसना है, नहीं तो इसमें से घी सेपरेट हो जाएगा। बिस्किट अब पीस चुका है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसे साइड में रख दूँगी। आपको ज़्यादा घी ना पसंद हो तो आप हल्के घी में बिस्किट को उलट पलट कर सेक भी सकते हैं। पर मैं ले रही हूँ एक पैन, जिसमें 1/2 कप चीनी ऐड करूँगी। बिस्किट मीठे होते हैं, इसलिए मैं इसमें 1/2 कप ही चीनी ऐड करूँगी और 1/2 कप जितनी हमारी चीनी थी उतना ही पानी ऐड करूँगी। आपके पास आप चीनी की जगह धागे वाली मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। चाशनी को अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें 1/2 कप दूध में 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मेल्ट करके ऐड करूँगी और मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी। 2 से 3 मिनट पकने के बाद मैं इसमें पिसे हुए बिस्किट को ऐड करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दूँगी। आप मिल्क पाउडर ना ऐड करना चाहें तो आप 1/2 लीटर दूध को ऐड कर दें और उसे गाढ़ा करने के बाद बिस्किट को ऐड करें। लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक मैं इसे पका ली हूँ। घी भी इसमें से सेपरेट हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसे ट्रे में ऐड करूँगी। ट्रे में ऐड करने के बाद मैं इसे स्पैचुला की मदद से चारों तरफ फैलाते हुए मैं इसे अच्छे से सेट कर दूँगी। ये बहुत ईजिली सेट हो जाती है। अब मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। 3 से 4 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाकर गार्निशिंग करूँगी। चांदी के वर्क को मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके ऐड करूँगी। आप चाहे तो एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास चांदी का वर्क ना हो तो आप किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं। गार्निशिंग करने के बाद अब मैं इसे कट करूँगी। मैं इसे चौकोर शेप में कट करूँगी। आप चाहे तो अपने हिसाब के किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। कट करने के बाद मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये बहुत आसानी से निकल जाती है और ये बिल्कुल दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। बर्फ़ी बहुत ही लो बजट में बन जाती है। इस बर्फ़ी को मैं पार्ले जी बिस्किट से बनाई हूँ। आप किसी भी बिस्किट से बना सकते हैं बिना क्रीम बिस्किट के। ये लो बजट बर्फ़ी बगैर मावा के भी टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस पार्ले जी बिस्किट की बर्फ़ी को आप एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलती हूँ एक दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।